प्रेगनेंसी में बीपी का बढ़ना काफी खतरनाक साबित हो सकता है माँ और बच्चा दोनों के लिए। इसे बेसिकली हम अपनी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहते हैं प्री एक्लेम्शिया। तो आइए पहले जानते हैं कि प्री एक्लेम्शिया होता क्या है। लेकिन उससे पहले एक टर्म आती है जेस्टेशनल हाइपरटेंशन, जिसका मतलब ये है कि प्रेगनेंसी में पहली बार बीपी का बढ़ना। तो जानते हैं कि ये कितना बीपी है और ये कब होता है। तो बेसिकली प्रेगनेंसी से पहले तो बीपी माँ का बिल्कुल ठीक रहता है। प्रेगनेंसी में, प्रेगनेंसी के 20वें हफ्ते के बाद या फिर आप लगा लीजिए कि 4.5 महीने के बाद पेशेंट का बीपी जो है वो बढ़ने लगता है और बीपी की रीडिंग कुछ आती है 140/90 से ज्यादा। और ऐसी दो रीडिंग्स हमें मिलती हैं एटलीस्ट 4 घंटे के फर्क में, तो हम पेशेंट को डायग्नोज कर लेते हैं कि उसको जेस्टेशनल हाइपरटेंशन है। और ये जो जेस्टेशनल हाइपरटेंशन है इसी के आगे होता है प्री एक्लेम्शिया। माने कि जेस्टेशनल हाइपरटेंशन के साथ साथ अब और भी ये जो बीपी बढ़ा है, इस बीपी का काफी ज्यादा प्रभाव और भी आपके ऑर्गन्स पे होना लगता है। जैसे कि हो सकता है कि किडनी पे असर आ जाए या फिर फेफड़ों पे असर आ जाए, दिल पे असर आ जाए, जिगर पे असर आ जाए। तो जब आपका बीपी का बढ़ना साथ में एक ऑर्गन को इन्वॉल्व कर लेता है तो उसको हम बोलते हैं प्री एक्लेम्शिया। अगर तो आपका रेगुलर फॉलोअप रहता है अपने डॉक्टर के पास शुरू से प्रेगनेंसी से, तो आपका बीपी मॉनिटरिंग अच्छे से होता रहता है। जिसका मतलब ये है कि अगर आपका बीपी प्रेगनेंसी में बढ़ने लगे तो वो बहुत जल्दी पता चल जाएगा, तो आपको हो सकता है कि उस समय कोई भी सिम्टम ना हो। लेकिन अगर आपका रेगुलर फॉलोअप नहीं रहता या फिर रेगुलर फॉलोअप करवा भी रहे हैं लेकिन साथ में बीपी मॉनिटरिंग नहीं रख रहा, तो क्या हो सकता है कि आपका बीपी बढ़ता रहे, वो काफी लंबे समय तक डायग्नोस ही ना हो पाए और फिर इतने सारे बीपी बढ़ जाए कि आपको प्री एक्लेम्शिया हो जाए और बहुत सारे सिम्टम्स आ जाए। तो सिम्टमेटोलॉजी की बात करते हैं कि प्री एक्लेम्शिया में क्या सिम्टम्स आ सकते हैं। तो पहले अगर हम हेड टू टो से बात करें कि क्या सिम्टम आएंगे, तो सबसे पहले लेते हैं अपने सर को। तो सिर में हेडेक, सर दर्द जो होगा, काफी सीवियर हेडेक होता है प्रेगनेंसी में अगर आपका बीपी बढ़ता है और अनडायग्नोज रह जाए। और सिर दर्द ऐसा होगा कि लगातार रहेगा और किसी भी चीज से ठीक नहीं होगा, आपके सोने से भी वो सर दर्द नहीं जाएगा। उसके नीचे आते हैं हमारी आंखें। आंखों में काफी सारी विजुअल डिस्टरबेंस आ सकती है, जैसे कि अगर जो आंखों में है, आंखों के पीछे जो पर्दा होता है वो अपनी तरफ से डिटैच हो सकता है आंख से, या फिर कोई नाड़ी जो है वो ब्लॉक हो जाए या नाड़ी आंख की फट जाए, तो इससे काफी विजुअल डिस्टरबेंस आएंगी। जैसे कि हो सकता है कि आंखों में धुंधलापन, जिसे हम बोलते हैं ब्लरिंग ऑफ विजन, या फिर डिप्लोपिया यानी कि दो दो दिखने लगे, या आंखों के सामने कोई स्पॉट्स आ सकते हैं जहां पे आपको विजन की डिस्टर्बेंस हो, या आंखों के सामने फ्लैशेस पड़ सकते हैं। फिर आगे हम बात करें तो चेस्ट में सांस लेने में काफी दिक्कत आ सकती है। ये क्यों आएगी? क्योंकि सांस जो है, हमारे फेफड़े जो हैं उनमें पानी भरने लग जाता है, जिसको हम बोलते हैं पल्मोनरी एडिमा। फिर आगे हम बात करें तो हमारे पेट में जो है दर्द रह सकता है, स्पेशली हम उसको बोलते हैं एपिगैस्ट्रिक पेन, या फिर अपर एब्डोमेन की तरफ राइट साइड ऊपर के भाग में दाहिने तरफ के पेन रहे। तो ये होते हैं काफी सारे सिम्टम्स जो आपको प्री एक्लेम्शिया में आ सकते हैं। और साथ में अगर ओवरऑल कुछ चीजें, कुछ सिम्टम्स देखें, जो होता है कि एडिमा यानी कि सोजिश, स्पेशली अगर हम बात करें पैरों में जो सोजिश आएगी आपको, एक होती है प्रेगनेंसी में नॉर्मल सोजिश होना, वो सोजिश जो है नॉर्मल प्रेगनेंसी की आपके रात को सोने पे, रेस्ट करने पे, अगले दिन जब आप मॉर्निंग में उठते हैं तो वो सोजिश चली जाती है। लेकिन अगर आपको
बीपी बढ़ने की वजह से सोजिश हो रहा है, तो इसमें क्या होएगा कि आप रात को सोएंगे लेकिन जब आप सुबह उठेंगे तो वो सोजिश फिर भी रहेगा, तो उसको हम बोलते हैं परसिस्टेंट एडिमा। फिर आता है आपका रैपिडली इंक्रीज्ड वेट गेन। वेट गेन प्रेगनेंसी में वैसे भी रहेगा, लेकिन प्री एक्लेम्शिया के साथ अगर आपका वेट गेन होता है वो बहुत रैपिडली होता है। रैपिडली माने 1 kg पर वीक से ज्यादा का वेट गेन आपका होने लग जाएगा। तो ये सारे सिम्टम्स हैं प्री एक्लेम्शिया प्रेगनेंसी में। अगर हम बात करें कि ये प्री एक्लेम्शिया होता क्यों है आखिर, तो इसके काफी सारे कारण हैं। काफी तो नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स हैं, जैसे कि हो सकता है कि आपके जेनेटिक बेसिस पे हो, इम्यूनोलॉजिकल बेसिस पे हो या इंफ्लामेटरी बेसिस पे हो, लेकिन कुछ मॉडिफाइबल फैक्टर्स भी हैं, जैसे कि हो सकता है कि आपका वजन ज्यादा हो, जैसे कि ओबेसिटी हो गया, या आपको कोई और मेडिकल डिसऑर्डर है साथ में, जैसे कि हो गया आपने डायबिटीज या क्रॉनिक किडनी डिसीज है आपका। तो काफी सारे फैक्टर्स रहते हैं जिसकी वजह से आपको प्री एक्लेम्शिया हो सकता है। तो अगर हम बात करें कि कौन से हाई रिस्क फैक्टर्स हैं जिससे आपको प्री एक्लेम्शिया होने की संभावना जो है वो ज्यादा रहेगी, तो पहले हम बात करें तो पहले आएगा हमारा कि अगर आपका प्रेगनेंसी में पहली बार एक्सपोजर हुआ है टू द कोरियोनिक विलाय, यानी कि प्लेसेंटा का पहली बार एक्सपोजर होता है जो फर्स्ट प्रेगनेंसी में, वो काफी हाई रिस्क फैक्टर रहता है। फिर अगर आपका वजन जो है वो ज्यादा है, आपको ओबेसिटी है, तो वो भी एक रिस्क फैक्टर है। फिर हम आगे आते हैं कि आपकी फैमिली हिस्ट्री है प्री एक्लेम्शिया की, यानी कि आपके सिस्टर या आपके मदर में प्री एक्लेम्शिया की हिस्ट्री रही है, तो हो सकता है कि आपको भी प्रेगनेंसी में प्री एक्लेम्शिया हो। अगर आपकी प्रेगनेंसी में एज अगर देखें तो वो 35-35 साल से ज्यादा है, तो आपको प्री एक्लेम्शिया हो सकता है। और काफी हाई रिस्क फैक्टर्स रहते हैं, जैसे कि अगर आपको पिछली प्रेगनेंसी में प्री एक्लेम्शिया था तो इस प्रेगनेंसी में भी प्री एक्लेम्शिया होने की काफी संभावना है। देन हमारा आता है मल्टी फीटल जेस्टेशन, या आप कह सकते हैं कि ट्विन्स या ट्रिपलेट प्रेगनेंसी है, तो उस प्रेगनेंसी में भी आपको रिस्क रहेगा प्री एक्लेम्शिया होने का। अगर आपको डायबिटीज मेलाइटस है, पहले से डायबिटीज है, तो आपको प्रेगनेंसी में प्री एक्लेम्शिया हो सकता है। और ये एक ऐसी कंडीशन है कि प्री एक्लेम्शिया वाले पेशेंट, अगर मान लो आपका डायबिटीज पहले से नहीं था, तो अगर आपको पहली बार इस प्रेगनेंसी में प्री एक्लेम्शिया हो जाता है तो आपको डायबिटीज होने का भी काफी रिस्क रहता है। तो ये दोनों कंडीशंस आपस में काफी रिलेटेड है। फिर आता है हमारा क्रॉनिक किडनी डिसीज या क्रॉनिक हाइपरटेंशन। तो इन दोनों कंडीशंस में बेसिकली आपका बीपी पहले से ही बढ़ रहा होता है, प्रेगनेंसी से पहले ही बीपी बढ़ रहा होता है, और प्रेगनेंसी हो जाती है, फिर प्रेगनेंसी में आपको साथ में ऑर्गन इंजरी भी होना शुरू हो जाता है, तो क्रॉनिक हाइपरटेंशन के साथ साथ आपको प्री एक्लेम्शिया हो जाता है। फिर अगर हम आगे आए तो हमारे काफी सारे ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स भी हैं, जैसे कि हो गया ऐसे प्री एक्लेम्शिया एक खतरनाक कंडीशन क्यों है, ये माँ और बच्चे के लिए बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि माँ का हर एक ऑर्गन इन्वॉल्व हो सकता है प्री एक्लेम्शिया से। बीपी बढ़ने के कारण सर में सूजिश आ सकती है, सर की नाड़ी फट सकती है, और इंट्राक्रेनियल हेमरेज जिसे हम कहते हैं काफी सीवियर हो सकता है, पेशेंट कोमा में भी जा सकता है। आंखों की काफी दिक्कत आ सकती है, टेम्परेरी भी आ सकती है, और वो विजन के चेंजेस परमानेंट भी रह सकती है। अगर चेस्ट में देखें तो फेफड़ों की दिक्कत, दिल की दिक्कत, फिर जिगर की दिक्कत, गुर्दों पे असर आ सकता है, पेशाब बनना बंद हो सकता है, हर एक ऑर्गन माँ का इन्वॉल्व हो जाता है। और अगर हम बच्चे की बात करें तो
तो बच्चे के लिए भी काफी खतरनाक है। देखिए बीपी बढ़ जाता है और बच्चे को जो प्लेसेंटा के थ्रू खून मिलना होता है, जो बच्चे की ब्लड सप्लाई है उस पर भी काफी असर पड़ता है, और बच्चे की जो ग्रोथ है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, मतलब ग्रोथ बच्चे की उस हिसाब की नहीं रहती जो कि एक नॉर्मल प्रेगनेंसी में रहनी चाहिए। और ये भी होता है कि प्री एक्लेम्पसिया में या तो खुद से ही लेबर जो है वो पहले हो जाती है, या फिर हो सकता है कि हमें माँ को दर्दें पहले लगानी पड़े, बच्चा पहले समय से पहले डिलीवर कराना पड़े। तो इस कंडीशन में क्या होएगा कि प्री मैच्योरिटी हो जाती है, बच्चा प्री मैच्योर होता है, अभी उसकी मैच्योरिटी आई नहीं होती और हम उसको डिलीवर करा लेते हैं। तो प्री मैच्योरिटी के अपने भी काफ़ी नुकसान रहते हैं, जैसे कि बच्चों को सांस लेने में दिक्कत आती है, बच्चा अपना टेम्परेचर नहीं मेंटेन कर पाता, हाइपोथर्मिया के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक कंडीशन होती है एंटेरोकोलाइटिस, तो नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस जो बच्चे की गट की दिक्कत है, बच्चे के पेट की दिक्कत है, वो भी आ सकती है। तो प्री मैच्योरिटी के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा बच्चे को खतरा रहता है, और हो सकता है कि बीपी इतना बढ़ जाए माँ का कि माँ को दौरे पड़ जाए। देखिए ये एक कंडीशन है प्री एक्लेम्पसिया, यानी कि एक्लेम्पसिया से पहले अगर माँ का बीपी बढ़ जाता है और उसको दौरे पड़ जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं एक्लेम्पसिया। तो एक्लेम्पसिया में क्या होता है, हो सकता है कि जो ऑल है, जो ऑल नल होती है, प्लेसेंटा होता है, वो जो बच्चेदानी से अलग हो जाए, जिसे हम बोलते हैं प्लेसेंटल एब्रप्शन, और उसके साथ क्या होता है कि बच्चे को जहाँ से खून सप्लाई मिलती है वो तो होता है हमारा प्लेसेंटा, और प्लेसेंटा ही बच्चेदानी से अलग हो जाए तो इसमें क्या होएगा कि बच्चे को खून की सप्लाई माँ के पेट में बंद हो जाती है, तो बच्चे की जो है पेट में डेथ हो सकती है। तो ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है माँ और बच्चा दोनों के। सो प्री एक्लेम्पसिया में जो हमारा बीपी बढ़ता है, ये बीपी का जो असली ट्रीटमेंट है वो है जब प्रेगनेंसी खत्म हो जाती है, यानी कि बेबी डिलीवर हो जाता है, उसके बाद अपने आप बीपी जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। लेकिन प्रेगनेंसी में ये बीपी जो है बढ़ता रहता है, इसको कंट्रोल या इसको मैनेज करने के लिए हमारे पास तीन तरीके हैं। पहली चीज है डाइट मॉडिफिकेशन, दूसरी चीज एक्सरसाइज, और तीसरी चीज है हमारी ड्रग थेरेपी, जो कि हम आपको ड्रग्स देते हैं ताकि आपका बीपी कंट्रोल में रहे। सो पहले बात करते हैं डाइट मैनेजमेंट में। सी डाइट मैनेजमेंट में बेसिकली प्री एक्लेम्पसिया के पेशेंट्स को जो है वो काफी मात्रा में हमें ये पाया गया कि डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम और डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी के कारण प्री एक्लेम्पसिया होता है। तो हम ये जो डेफिशिएंसी है इसको कवर करने की कोशिश करते हैं, साथ में और भी विटामिन्स इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि विटामिन सी हो गया, विटामिन ई, विटामिन B12, फॉलिक एसिड एंड अपना मैग्नीशियम एंड ओमेगा 3 फैटी एसिड्स एंड प्रोटीन्स। सो पहले बात करें कि ये सारा कुछ आपको चाहिए, तो आपकी डाइट में आपको ये सब कैसे मिल सकता है? तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है हमारा कैल्शियम। सो कैल्शियम आपको कहाँ से मिलेगा? देखिए बेसिकली हम कैल्शियम जो है वो डेयरी प्रोडक्ट से भी ले सकते हैं या प्लांट बेस्ड डाइट से भी ले सकते हैं। प्री एक्लेम्पसिया में प्लांट बेस्ड डाइट बहुत प्रेफर किया जाता है, बिकॉज ये आपको कैल्शियम तो प्रोवाइड करता है लेकिन जो आपका फैट इनटेक है उसको कम कर देता है। सो कैल्शियम की अगर हम बात करें प्लांट बेस्ड सोर्सेस की, तो कैल्शियम काफी मात्रा में पाया जाता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में, ब्रोकली हो गया, पालक हो गया, या फिर आप लगा लीजिए कि बीन्स हो गए जिसको फलियां भी बोलते हैं, तो इन सब में कैल्शियम काफी होता है। अगर आप नट्स में बात करें तो बादाम में कैल्शियम काफी मिलेगा। देन अगर हम डेयरी प्रोडक्ट्स की बात करें तो मिल्क, कर्ड, पनीर, ये सब चीजों में
कैल्शियम काफी रहता है। तो आप जो भी मिल्क कंज्यूम कर रहे हैं वो स्किम्ड मिल्क यूज करें, जिसका मतलब ये है कि आपके जो दूध पे ऊपर मलाई आती है उसको हटाकर अगर आप दूध पियेंगे तो आपको कैल्शियम मिलेगा लेकिन आपके फैट इंटेक जो है वो कम हो जाएगा। फिर आगे बात करते हैं जो बाकी सारी चीजें आपको चाहिए। देखिए अगर आप प्लांट बेस्ड डाइट खाते हैं, जैसे कि तीन मेजर मील्स हो गए हमारे, अगर हम तीन मेजर मील्स में जो रोटी लें, रोटी जो है हमारी होल व्हीट की होनी चाहिए, पूरे कनक की या मिक्स ग्रेन की रोटी ले लीजिए वो खाएं, मैदे को अवॉइड करना है। फिर जो रोटी के साथ हमने सब्जी खा सकते हैं या दाल खा सकते हैं, सब्जियां खाएंगे तो आपका सारा विटामिन्स एंड कैल्शियम पूरा रहेगा। और अगर आप दाल खाएंगे या राजमा हो गया या और भी काफी बीन्स होते हैं, काले चने हो गए, तो इन सब चीजों से आपको प्रोटीन अच्छा मिलता रहेगा। फिर अगर आपके आगे डेयरी प्रोडक्ट्स, अगर आप डेली डेयरी प्रोडक्ट्स कंज्यूम करते हैं, जैसे कि दूध जो हो गया स्पेसिफिकली इम्पॉर्टेंट है प्रेगनेंसी में, दूध या कैल्शियम का लेना वैसे भी काफी इंपॉर्टेंट है और प्री एक्लेम्पसिया में और भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो दो ग्लास दूध दिन में पीने जरूरी है। फिर अगर हम बात करें कि अगर आपको प्लांट बेस्ड डाइट तो ये हो गया, अगर आपको मीट खाने का है तो मीट में स्पेसिफिकली फिश जो है वो काफी अच्छा है रादर देन एनीथिंग एल्स। तो अपनी डाइट को इस हिसाब से रखें कि आप जो तीन टाइम का मील ले रहे हैं उसमें दाल सब्जी लें, रोटी खाएं, डेयरी प्रोडक्ट कंज्यूम करें, और बीच में जो आपने स्नैक्स लेने हैं उनमें आपको फ्रूट्स ले सकते हैं, आप नट्स खा सकते हैं जैसे कि बादाम हो गया, काजू हो गया, या फिर आप दूध पी सकते हैं। तो अपने मील को इस हिसाब से रखें कि ये सारा कुछ आप कंज्यूम करें। अब आते हैं कि क्या कंज्यूम नहीं करना है, क्या चीजें नहीं खानी है। देखिए एक नमक की अगर प्रोपोर्शन की बात करें तो अपने खाने की हर प्रिपरेशन में हमको नमक काफी कम रखना है। तो आपका जो डेली का नमक का इंटेक है वो लेस देन 5 ग्राम पर डे रहना चाहिए। तो नमक की मात्रा वैसे ही कम रखें पूरे हर आपके दाल या सब्जी में। दूसरी बात आती है कि जो प्रोसेस्ड फूड होता है जो मार्केट में हमें ऐसे ही मिल जाता है, या फिर आपके स्वीट्स की बात करें, या फिर ऑयली फूड की बात करें, या फ्राइड फूड की बात करें, तो ये सारे फूड्स हमें अवॉइड करने हैं। तो घर का खाना खाना है, खाने में रोटी भी खानी है, दाल भी खानी है, सब्जी भी खानी है, फल भी खाने हैं और दूध भी पीना है, और नमक, फ्राइड फूड, ऑयली फूड, डायरेक्ट स्वीट्स, बेकरी के प्रोडक्ट्स हो गए, केक, पेस्ट्री, ये सब हमें अवॉइड करना है। अब हम बात कर रहे हैं कि स्वीट्स को अवॉइड करना है। भाई स्वीट्स को क्यों अवॉइड करना है? क्योंकि हाइपरटेंशन और डायबिटीज ये काफी कोरिलेटेड डिसीजेस हैं। अगर पेशेंट को प्री एक्लेम्पसिया है तो उसको डायबिटीज होने के भी काफी चांस है, और मान लीजिए अगर पेशेंट को डायबिटीज है तो उसको हाइपरटेंशन होने के भी काफी चांसेस है। इसलिए आपको शुगरी फूड भी ज्यादा अवॉइड करना है, लेकिन आप फ्रूट खा सकते हैं जो कि मीठे भी होते हैं और उनका ग्लाइसीमिक इंडेक्स भी काफी कम रहता है डायरेक्ट शुगर से, क्योंकि उनमें होता है एक कॉम्प्लेक्स शुगर जो आपकी बॉडी में जाके धीरे धीरे ग्लूकोज को रिलीज करता है। जहां अगर हम बात करें जो हमारे बेकरी के प्रोडक्ट्स हैं या फिर हमारी मिठाई की दुकानों से हमारी मिठाई आती है, तो उनमें होती है सिंपल शुगर जो हमारे खाते ही हमारे ब्लड में शुगर को इमिडिएटली रिलीज कर देते हैं और एकदम से शुगर को बढ़ा देते हैं। तो इसलिए फ्रूट्स को खाना है, सीधी डायरेक्ट मिठाई या मीठा नहीं खाना है। अब बात करते हैं हम एक्सरसाइज पे। देखिए एक्सरसाइज में ऐसे है कि आप कोई बहुत हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस तो प्रेगनेंसी में नहीं कर सकते, लेकिन योगा, प्रीनेटल योगा है, काफी स्टेप्स हैं जो कि इतने हाई इंटेंसिटी के नहीं है, जो योगा के पोस्चर्स हैं वो इतने हाई इंटेंसिटी नहीं है कि आपकी प्रेगनेंसी को इफेक्ट करें, तो वो कर सकते हैं। मेरी एक वीडियो भी है
आप वो भी देख सकते हैं ऑन द योगा इन प्रेगनेंसी। एंड आप चाहें तो एरोबिक्स भी कर सकते हैं, वो भी लो इम्पैक्ट एरोबिक्स ही रहेंगे, ज्यादा हाई इंटेंसिटी नहीं कर सकते। या फिर सिंपल आप वॉकिंग कर सकते हैं। वॉकिंग एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। 30 मिनट्स आप मॉडरेट से वॉकिंग करें, उसमें ही आपको काफी बेनिफिट रहेगा। एक्सरसाइज से आपके टोटल बॉडी सर्कुलेशन काफी इंप्रूव होता है, एंड सेम गोज फॉर के फीटल सर्कुलेशन भी एक्सरसाइज से इंप्रूव होता है। दूसरी बात यह है कि ओबेसिटी, अगर आप सिर्फ प्रेगनेंसी में रेस्ट ही करते हैं और एक्सरसाइज नहीं करते तो आपका वेट गेन ज्यादा हो जाता है, और ओबेसिटी एक फैक्टर है फॉर द प्री एक्लेम्शिया डेवलपमेंट। सो आपको ओबेसिटी को अवॉइड करने के लिए आपको एक्सरसाइज करना जरूरी है। अब आते हैं हम अपने ड्रग थेरेपी पे। देखिए, ड्रग थेरेपी में क्या आता है, एंटी हाइपरटेंसिव, यानी कि वो बीपी कम करने वाली दवाइयां जो आपके बच्चे को नुकसान ना पहुंचाए, मतलब कि वो सेफ हैं प्रेगनेंसी में लेने। तो आपका डॉक्टर आपको वो प्रिस्क्राइब करेगा एक ड्रग जो आपको रोज लेनी है टाइम पर, और डोज स्किप नहीं करना, जिससे आपका बीपी कंट्रोल रहे। सो आपको अपना ड्रग थेरेपी में एक तो हो गया एंटी हाइपरटेंसिव, और दूसरी चीज ये है कि काफी हेल्थ सप्लीमेंट्स आपको साथ में चाहिए होते हैं, जैसे कि हो गया हमारा कैल्शियम, आयरन और फॉलिक एसिड। देखिए, कैल्शियम चाहे आप प्लांट बेस्ड डाइट से ले रहे हैं, चाहे आप डेयरी प्रोडक्ट से ले रहे हैं, लेकिन उसकी क्वांटिटी फिर भी कम रहेगी, जो कि यू नो इन प्रोपोर्शन टू द नीड ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में नीड ही इतना ज्यादा है कि जो आप डेली कंज्यूम करते हैं उससे नहीं मिल पाता आपको कैल्शियम, इसलिए हमें कैल्शियम को सप्लीमेंट करना पड़ता है। तो कैल्शियम की टैबलेट भी रोज लेनी है, और साथ में आपको आयरन एंड फॉलिक एसिड की टैबलेट आती है एक इकट्ठे कॉम्बिनेशन में, आपको वो भी लेना है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है कि कैल्शियम और आयरन आपको साथ में कंज्यूम नहीं करना है। साथ में क्यों नहीं खाना है, क्योंकि दोनों का आपस में इंटरेक्शन हो जाता है इतना ज्यादा कि किसी भी चीजें की अब्सॉर्प्शन अच्छे से हो नहीं पाती। कैल्शियम भी अब्सॉर्ब नहीं होएगा, आयरन भी अब्सॉर्ब नहीं होएगा अगर आप टैबलेट साथ में लेंगे। तो दोनों में एटलीस्ट 2 घंटे का फर्क डाल के आपको ये कंज्यूम करना है। सो डाइट, एक्सरसाइज एंड ड्रग्स काफी हेल्प करते हैं प्री एक्लेम्शिया को मैनेज करने में। लेकिन हम फिर भी आपको एडवाइस करते हैं कि आप बीपी मॉनिटरिंग अपने घर पे जरूर रखें। सो आपको एक बीपी अपरेटस खरीदना होता है, उसमें आपको डेली का अपना बीपी मेजर करना है, चाहे दिन में एक बार करें या 2 बार करें, और उसको पेन डाउन करते रहें अपने एक कॉपी पे। अगर आपका बीपी बढ़ता है, यानी कि 160/110 से बढ़ता है, या फिर आपको और काफी सारे सिम्टम्स आने लग जाएं, जैसे कि आपका एक परसिस्टेंट हेडेक रहने लग जाए, आपको आंखों के सामने धुंधला आना लग जाए, सांस लेने में दिक्कत हो या पेट में दर्द हो, तो उस समय आपको घर पे नहीं बैठे रहना, अपने डॉक्टर को जाके तुरंत मिलना है, क्योंकि हो सकता है कि वो आपके इमिनेंट साइंस हो। यानी कि इमिनेंट मतलब बस वो साइंस है कि दौरा पड़ने के पहले वाले साइंस। अगर आपको घर बैठे रहे तो आपको दौरा पड़ सकता है, उसको हम बोलते हैं एक्लेम्शिया। सो प्री एक्लेम्शिया का मतलब एक्लेम्शिया से पहले वाली कंडीशन आपकी चल रही है, अगर आपको फिट थ्रो हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं एक्लेम्शिया। और एक्लेम्शिया बहुत ही खतरनाक कंडीशन है, जिसमें मदर की डेथ का रिस्क और फीटस के, आपके बेबी के डेथ का रिस्क बहुत हद तक इंक्रीज होगा। सो ये था प्री एक्लेम्शिया के बारे में, यानी कि हाई बीपी के बारे में प्रेगनेंसी में। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं, एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को लव ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।